Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a cubical block of mass m and HA slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. Fine. So इस तरह से हमारे पास एक rough inclined surface है. Let's say angle of inclination is theta and एक cubical block है. So each side of this block will be simply A, right? And it is moving with a constant speed, that is uniform speed से move कर रहा है, so V constant है, right? Now let's draw the free body diagram. Mg, that is vertically downward, center of mass पे लगेगा, so we can take the component of mg directly. Mg cos theta perpendicular to the inclined surface and mg sin theta parallel to the inclined surface, right? Then normal reaction लगेगा. Normal reaction क्या center of mass पे लगेगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. कहाँ पे लगेगा? व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगी वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. नाउ आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉन्टैक्ट है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द सरफेस, इंक्लाइन सरफेस, राइट? सो नॉर्मल रिएक्शन कहीं पे भी लग सकता है, बट हमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क निकालना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. अगर आपको किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि किस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है. सो लेट मी एज्यूम कि कहीं पे भी लग सकता है. इस तरह से हम ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, दैट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे लग रहा है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x फॉर द टाइम बीइंग, राइट? एक फोर्स और बचा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, क्योंकि ये जो ब्लॉक है डाउनवर्ड मूव करेगा विद अ कांस्टेंट स्पीड v. सो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, सो n इंटू म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन सरफेस. नाउ यू कैन सी कि इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. इट मीन्स नेट फोर्स शुड बी जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है. इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट मीन्स नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो. नाउ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस अगर हम बात करें, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस एम जी कॉस थीटा. सो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आप सिंपली एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो. और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा ना, दैट विल बी यूअर एम जी साइन थीटा, लाइक n इंटू म्यू दैट विल बी यूअर एम जी साइन थीटा. आप चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, एम जी कॉस थीटा, राइट, इंटू म्यू दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. सो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? टेन थीटा, राइट? म्यू भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, सो म्यू विल बी टेन थीटा. और ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा n इंटू म्यू, इसका वैल्यू आएगा एम जी साइन थीटा, राइट? अभी नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट टॉर्क भी जीरो होगा बिकॉज ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है अबाउट सेंटर. सो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर दैट विल ऑल्सो भी जीरो. अभी अगर मैं टॉर्क की बात करूं, सो एम जी तो सेंटर से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क तो वैसे भी जीरो होगा. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका टॉर्क कितना होगा? यू कैन सी एम जी साइन थीटा, राइट? एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ए बाई टू. यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस आएगा ये ए बाई टू आएगा इंटू ए बाई टू. और डायरेक्शन कैसा आएगा? मीन्स आप इस तरह से देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज. सो उतना ही टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट नेट टॉर्क जीरो हो जाए. मीन्स फ्रिक्शन फोर्स का जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उतना ही नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा क्लॉकवाइज, राइट? सो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क का वैल्यू भी यही होगा, एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू, बस वो क्लॉकवाइज होगा. इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क पता है. सो देखो n इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू टॉर्क दैट इज एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू. नाउ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आप एम जी कॉस थीटा पुट कर सकते हो, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, राइट? बट x का वैल्यू नहीं पूछा है, मे बी कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, राइट? सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय.